जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे पीएचई डिवीजन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनका बाकी स्टाफ जो यहाँ पे है, हम उनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि इनके एफर्ट्स की वजह से जो है आज हम यहाँ जेजेएम का जो ये प्रोजेक्ट आज इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। तो इसमें करीबन 3 करोड़ रुपया हमने मैक्सिमम रखा है। तो इसमें हमें एक तो यहाँ पे रिजर्वायर बनेगा 50,000 गैलन और इसमें एक बोरवेल लगेगा नीचे प्रोडक्शन वेल, उसमें भी अलॉटमेंट हुई है। तो जो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी पानी की, मुझे लगता है पिछले 30-40 साल से इन बेचारों को पानी नहीं मिलता था पीने के लिए। अब जो है अब इंशाल्लाह तवक्का यही है कि आने वाले वक्त में अब हमारे लोगों को यहाँ चेक इन उत्मसा के लोगों को अब इंशाल्लाह रहमान पीने का साफ पानी मिलेगा। एक एतमाद हम पे किया है, हम उस एतमाद को बरकरार रखना चाहते हैं और जो लोगों ने हमें एतमाद दिया है, अपना वोट दिया है, और लोग मैं चाहता हूँ लोग डिफरेंस करें फील, क्योंकि जब से मैं सिस्टम में आया हूँ मैं चाहता हूँ सिस्टम में आके एक चेंज आनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ जो मेरी कॉन्स्टेंसी है ओवरऑल, मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन का और पीएचई डिवीजन का हंदवारा का, क्योंकि इनके एफर्ट्स की वजह से भी मेरी कॉन्स्टेंसी में ओवरऑल इस वक्त हर जगह काम चल रहा है। करीबन मुझे लग रहा है 20 प्रोडक्शन वेल्स हमने पिछले साल से आज तक लगाए और उन प्रोडक्शन वेल्स से हमने बाज़ाब्ता तौर सोर्स खड़ा किया पानी का। और मेरी ये कोशिश रहती है कि जो बेसिक इम्यूनिटीज़ लोगों तक नहीं है, ये बेसिक इम्यूनिटीज़ हम लोगों तक पहुँचाए, चाहे रोड्स के हवाले से, चाहे वाटर सप्लाई स्कीम्स के हवाले से, चाहे पावर के हवाले से, हम इन चीज़ों पर बड़ा फोकस। इस प्रोग्राम तो आपको जो पता ही है जेजेएम में चल रहा है, तो इसमें तकरीबन हम एक्सट्रीम को बोल रहे पहुँच रहे हैं कि इनॉग्रेशन में ये जो स्कीम है चेक नुतनुसा, इसमें ये नुतनुसा बी में आता है विलेज में, तो इसमें इसका टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 311 लाख है, 3.11 करोड़ में। इसमें 155 सिविल कॉस्ट है, 155 ये मैकेनिकल कॉस्ट है। इसमें हमने ये बनाना है यहाँ पे एसआर, जो यहाँ जैसे शुरू करेंगे पानी, तो जिसमें 0.5 लाख गैलन एसआर है, और वहाँ पे नीचे हम जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो है प्रोडक्शन वाटर पहले। तो इसमें ये इसमें यही है कि ये जो है यहाँ पे जो इसमें यहाँ पे कमी में किल्लत थी पानी की, ये नहीं है। तो इंशाल्लाह जब जो ही ये कवर होगी बाय द एंड ऑफ दिसंबर, तो वी आर होपफुल कि जो जो जहाँ पे हमें पानी की सख्त किल्लत थी वो वाला एरिया हमें कवर हो जाएगा। नहीं अभी तक तो हम शुक्र अलहमदिल्ला कि उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया है। हाँ वो डिपार्टमेंटल होती है, उसमें उनके भी अपनी कुछ मजबूरी होती है, फॉर्मेलिटीज़ वो हम पूरा कर रहे हैं और मीनवाइल वो हमें अलो कर रहे हैं। हुआ था थोड़ा सा कहीं पे हुई थी, बट ऑलमोस्ट उन्होंने अभी हमने कोऑपरेट किया है। कोऑपरेटिव है यहाँ के जो भी DDC या BDC या जो भी सरपंच साहिबान हैं वो सब हमें कोऑपरेट करें, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो हम मेनली, तो ये लोगों के लिए हैं, उनका 100% सपोर्ट है, तभी हम इसमें इतना कामयाब हो पा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भाई दिसंबर तक हमारा ये प्रपोजल है कि ये चीज कम्प्लीट हो जाए। DDC बने बहुत नौजवान क्या है कैश कर, یہ کیا ہے یہ کرے یہ لبان انسان کردار تے کارن پڑا نظر چھنہ اس پیوا تیل چھنہ شرمن گسا ربی کا انات سب رب سن چھ پاس سن یس ایتا ڈی ڈی سی چھ بنیا مچھنہ بوچھس ونا کا ڈی ڈی سی جیتا گون جیتن یہ کار کر دی ہوتن کن جائے یہ علاقہ سم جس سے پاپو ہے رسمس بوچھس پر زور گزارش کر کہ یزن کنڈی کا سو یہ علاقہ سے رو یہ تیم قائم کرے پانی کا یہ پانی کانسٹی سم یل زن انسان گھر گسا تچن सतरन तक ये घर गेले ये तुम बन ग तुम तुम मकान मई दिल्ली मज एयरपोर्ट मब मुल्क मे बन ना ये तलीम लाप बच्चे ये घर से बोत रबस पे तुम कहें मगर चीज लूकन हद खर कदार किरदार वाले अल गोन एम एल ए मेबर असम्बली तुम गोस मेबर जिस सान खुद घर कौन चुन पकान ترے باغ مگر ان شاء اللہ بچہ رہا وقابل کو